या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता। नमस्तसे 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूँ स्मिता सिंह राजपूत। नवरात्र के 9 दिन वाले इस पावन पर्व पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमामि दुर्गे में आज आपको हम बताएंगे माता के नौवें रूप यानी माँ सिद्धिदात्री के बारे में। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता की उपासना करता है उसकी समस्त समस्याएँ खत्म हो जाती है, माता उसका उद्धार करती है। श्री दुर्गा का नवम रूप श्री सिद्धिदात्री है। ये सब प्रकार की सिद्धियों की दाता है, इसलिए ये सिद्धिदात्री कहलाती है। नवरात्रि के नवम दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। सिद्धिदात्री की कृपा से मनुष्य सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त कर मोक्ष पाने में सफल होता है। मार्कंडेय पुराण में अड़िमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम में ईशित्व एवं वशित्व 8 सिद्धियाँ बतलाई गई हैं। भगवती सिद्धिदात्री उपरोक्त संपूर्ण सिद्धियाँ अपने उपासकों को प्रदान करती हैं। माँ दुर्गा के इस अंतिम स्वरूप की आराधना के साथ ही नवरात्र के अनुष्ठान का समापन हो जाता है। इस दिन को रामनवमी भी कहा जाता है। माता के इस नवे रूप की उपासना से माता अपने भक्तों की पुकार शीघ्र ही सुन लेती हैं और माता के भक्तों के लिए कोई भी कार्य इस सृष्टि में असंभव नहीं रहता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाता है। अर्थात भक्तों को सदैव माँ की उपासना सच्चे मन से करनी चाहिए। माता की पूजा अर्चना करने से भक्तों को क्या लाभ होता है, आइए जानते हैं। सिद्धियाँ हासिल करने के उद्देश्य से जो साधक भगवती सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं उन्हें नवमी के दिन निर्वाण चक्र का भेदन करना चाहिए। दुर्गा पूजा में इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। हवन से पूर्व सभी देवी देवताओं एवं माता की पूजा कर लेनी चाहिए। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से ही हवियानी आहुति देनी चाहिए, बाद में माता के नाम से आहुति देना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप है, अतः सप्तशती के सभी श्लोक के साथ आहुति दी जा सकती है। देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः से कम 100 बार हवि दे। एक बार फिर से माँ सिद्धिदात्री की चरणों में प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को यही विश्राम देते हैं। अगली बार शारदीय नवरात्रि में माँ की महिमा के साथ हम एक बार फिर से उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय माता दी।